नगी च सुरेन्द्री च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, उम्मुंच पासम इह मच्चि एहिं, पास का विमोचन करो, पास से मुक्त हो जाओ। पास का अर्थ किया गया है बंध, बंधन। जाल में फंस जाता है कोई और फिर वह निकल जाए, जो गलत स्थान में फंस गया और वहां से निकल गया, माया जाल, जाल से निकल जाना, पास से निकल जाना। एक जगह कहा गया है नेह पासा भयंकरा, ये स्नेह पास भयंकर होते हैं। बंध राग आदि के कारण आदमी बंधन में फंस जाता है। मनुष्यों के साथ भी अति राग हो जाता है, अवांछनीय राग हो जाता है, तो वह भी एक पास होता है, बंद होता है। तो मनुष्यों के साथ भी जो अवांछनीय राग स्नेह होता है वह साधना के क्षेत्र में त्याज्य होता है। पदार्थों के प्रति भी राग है, वह भी साधना के क्षेत्र में छोड़ने लायक होता है। तो आयारों में जो ये पास से मुक्त होने की बात बताई गई है, हम बंधन से मुक्त होने का प्रयास करें। एक सेठ था, यों साधुओं के पास कई बार जाया करता था, उनके जो गुरु सन्यासी थे। एक दिन वह अपने गुरुजी जो सन्यासी थे उनके पास गया और धर्म चर्चा कर रहा था। इतने में सेठ का बड़ा बेटा आया, बोला पिताजी जल्दी चलो, मकान में, अपने मकान में आग लग गई है, आप जल्दी आओ। वह कह करके भागता भागता लड़का तो चला गया। सेठ थोड़ा सा वृद्ध या प्रौढ़ उम्र का था, जब उसने सुना कि अपने मकान में तो आग लग गई, रोने लग गया, भूं भूं जोर जोर से सन्यासी के पास रोने लगा। तो सन्यासी तो धार्मिक आदमी भी, थोड़ा उसको सांत्वना देने का मनोबल रखने की प्रेरणा दी, सांत्वना दी का हिम्मत रखो, समता रखो, शांति रखो, इतना विलाप मत करो, यूं समझा रहा था। यूं दो चार मिनट साधु समझाया, समझाने में लगा दिए दो चार मिनट। इतने में सेठ का छोटा बेटा भी सन्यासी जी के दर्शन करने आ गया। आयार उसने देखा मेरे पिताजी तो इतने रो रहे हैं, पूछा पिताजी क्या हुआ, कोई शरीर में तकलीफ है, क्या है बताओ मुझे, कहो तो हॉस्पिटल ले चलूं, कोई तकलीफ है क्या, कहीं दर्द हो रहा है। ना दर्द शरीर में कुछ नहीं, दर्द तो मन में हो रहा है। कि मन में किस बात का दर्द है, कि बेटा वो बड़ा वाला आया था अभी, कहा कि अपने मकान में आग लग गई है। छोटा लड़का बोला कि नहीं,
वो मकान तो हमने बेच दिया ना, वो मकान तो बेच दिया, अब हमारा थोड़ा ही, अच्छा हमारा नहीं ना, हमारा नहीं है, बेच दिया हमने वो तो। अब सेठ का रोना बंद हो गया, नॉर्मल रूप में साधु से बात करने लगा, छोटा बेटा भी चला गया। थोड़ी देर बाद बड़ा बेटा फिर आ गया, बोला पिताजी आप आए नहीं, मैंने कहा था ना आग लग गई, आप आओ जल्दी, अभी तक आप आए ही नहीं हो। तो पिता बोला भी वो छोटा आया था और उसने कहा कि वो मकान तो हमने बेच दिया, हमारा नहीं है वो मकान, तो मैं क्यों आऊं फिर। बड़ा बोला पिताजी अभी बेचने की बात हो रही है, रजिस्ट्री का काम संपन्न हुआ नहीं है अभी तक, तो मकान की मिल्कियत तो अभी हमारी ही है, तो मकान की मिल्कियत हमारी है, मालिकाना हमारा है, अभी जल रहा है वो हमारी संपत्ति नष्ट हो रही है। अच्छा कहाँ हमारा मकान है, सारा काम तो मैं देख रहा हूँ ना बेचने का, तो अभी रजिस्ट्री हुई नहीं है, अभी तो प्रक्रिया चालू है, अभी तक मकान का स्वामित्व उस पर हमारा है। तो फिर सेठ का रोना शुरू हो गया कि रे नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब सन्यासी ने देखा कि सेठ पहले रो रहा था, बीच में नॉर्मल हो गया, अब फिर रोने लग गया। यह रोना क्यों हुआ, पास स्नेह पास मोह पास है, जब जब मकान के प्रति ममत्व आया कि हमारा मकान हमारा मकान और जल रहा है, तब सेठ का रोना हुआ। जब यह लगा कि मकान हमारा नहीं है तो रोना बंद हो गया। यह एक पास है, ममत्व का पास है, स्नेह का पास है, मोह का पास है। यह मोह का पास कम हो, अभी यह अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षा ध्यान शिविर लगा, तो यह प्रेक्षा ध्यान जो एक अध्यात्म के संदर्भ में किया जाए, तो यह वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ने का एक माध्यम साधन बन सकता है, कि न प्रियता और न अप्रियता, केवल देखना, ओनली परसेप्शन, नो लाइक नो डिसलाइक, नो राग नो द्वेष, राग द्वेष कुछ नहीं, वीतरागता। दीपावली आ रही है, भगवान महावीर का निर्वाण दिवस आ रहा है, कार्तिक अमावस्या भगवान महावीर का निर्वाण की तिथि है, दिन है, रात्रि में निर्वाण हुआ था। अब भगवान महावीर वीतराग बन गए, अब वीतराग बन गए, केवली बन गए, अब कोई मकान जले, कोई कुछ हो, कोई आदमी के कुछ हो जाए, तो भगवान महावीर के मन में कोई मोह थोड़ा ही आता। गौतम स्वामी के प्रति भी मोह नहीं रहा, केवल ज्ञानी बन गए महावीर तो गौतम स्वामी के प्रति भी मोह नहीं रहा, जबकि गौतम स्वामी के मन में मोह था, क्योंकि वे जब तक वीतराग नहीं बने थे तो मोह था। और कहते हैं भगवान महावीर का निर्वाण हुआ तो गौतम भी थोड़े मनो विलाप में एक मोह में आ गए, थोड़ी देर में संभल भी गए और केवल ज्ञान को भी प्राप्त हो गए। यह राग एक पास है, द्वेष भी पास है, राग द्वेष से मुक्त होना प्रेक्षा ध्यान में, यह राग द्वेष मुक्ति की बात है। अनित्य अनुप्रेक्षा कराई जा का प्रयोग भी प्रेक्षा ध्यान में निर्दिष्ट, कि भी अनित्य है, ये संबंध भी अनित्य हैं, यह शरीर भी मेरा स्थायी नहीं है, कपड़े के साथ संयोग है, जिसके साथ संयोग है उसका वियोग भी होता है, मैं जहाँ बैठा हूँ उस जमीन के साथ भी मेरा संयोग है, उस कमरे के साथ भी संयोग है, तो संयोग है
तो वियोग भी होने वाला है। यह संयोग वियोग, संयोग वियोग, यह एक स्थिति है कि जिसके साथ संयोग होता है सामान्यतया वियोग भी होता है। आदमी का जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है, आना होता है तो जाना भी होता है। चतुर्मास के लिए आना होता है तो फिर चतुर्मास की संपन्नता के बाद जाना भी हो सकता है। तो संयोग हुआ है तो वियोग भी फिर सामान्यतया होता है। आयारों में जो कहा गया उम्मुंच पासम इह मच्च एहिम, कि तुम पास प्रेमानुबंध का विमोचन कर। राग है तो फिर द्वेष भी हो सकता है। द्वेष की पृष्ठभूमि में मानो राग है, राग नहीं रहेगा फिर द्वेष भी रह ही नहीं सकता। द्वेष मानो राग के आधार पर टिकता है, इसलिए गुणस्थानों के क्रम में द्वेष पहले जा, गुस्सा अहंकार ये पहले चले जाते हैं। राग लोभ है वो दसवें गुणस्थान तक विद्यमान रहता है। मुमुक्षु बाइयां और हैं कि ये तत्वज्ञान की बात है कि लोभांश, लोभ का अंश दसवें गुणस्थान तक रहता है। दसवें गुणस्थान में भी राग है तब तक वीतरागता नहीं आती, दसवें गुणस्थान के बाद में वीतरागता आती है। तो यह सूक्ष्म संपराय, सूक्ष्म कषाय, सूक्ष्म लोभ दसम गुणस्थान तक रहता है, तब तक जो बंद होता है वह भी सांप्रायिक बंद होता है, और दसम गुणस्थान के बाद में ग्यारहवें बारहवें तेरहवें गुणस्थान में जो बंद होता है, मात्र सात्वेदनीय कर्म का बंद होता है, वह ऐरिया पथिक बंद होता है, और चौदहवें गुणस्थान में तो बंद होता ही नहीं, वह तो अबंध की अवस्था हो जाती है। तो यह हमारी साधना, यह मुमुक्षु जीवन है, इसमें भी एक संयम के प्रति निष्ठा और अपने नियमों के प्रति जागरूकता और स्वाध्याय आदि के प्रति रुझान रहे, भावना रहे कि यह मुमुक्षु का जीवन है, कितना एक महत्वपूर्ण जीवन है। इसमें शिक्षा अध्ययन भी चले, साधना भी अच्छी तरह चले। तो शिक्षा और इधर दीक्षा, तो दीक्षा जो साधना की चीज है उसकी भी अच्छी तैयारी हो जाए, तो यह मुमुक्षुत्व है वह भी अपने आप में कृतार्थ हो सकता है। तो ध्यान की साधना भी जितना एक व्यवस्था का आनुकूल्य हो, कुछ कुछ ध्यान की साधना नमो सिद्धानम और जो भी प्रयोग उनका क्रम भी चले, और चलना है तो चलते चलते भी इरिया समिति का प्रयास रहे, भले साध्वी नहीं भी बनी तो भी मुमुक्षु वह तो भी चलते चलते भी जीव जंतु कोई पैर के नीचे आकर मेरे पैर से मर न जाएं, तो शरीर प्रमाण भूमि को देख देख कर चलना, यह है इरिया समिति की साधना भी चले। इधर ध्यान स्वाध्याय, इधर समितियों का अभ्यास, गुप्तियों का अभ्यास, मनोगुप्ति वाग्गुप्ति कायगुप्ति का भी अभ्यास। तो आयारों में जो कहा गया है उम्मुंच पासम इह मच्च एहिम, कि मनुष्यों के साथ होने वाले पास प्रेमानुबंध का विमोचन कर।
अब यह प्रेमानुबंध थोड़ा सा एक हम अवांछनीय जो है, ऐसे राग राग में बड़ा अंतर होता है। राग किसके प्रति है, किस रूप में राग है, किस स्तर का राग है। गौतम स्वामी का भी भगवान महावीर के प्रति मान लें कुछ अनुराग, कुछ स्नेह भाव जो भी था, एक तो वह भी राग है, एक भौतिक पदार्थों के प्रति राग है। तो राग राग में भी अंतर हो सकता है। एक अपने गुरु के प्रति एक भक्ति कह दें, थोड़ा राग कह दें कि भी गुरु गुरु मेरे गुरु हैं, वो गुरु के प्रति थोड़ा एक भक्ति भी जुड़ी हुई है, थोड़ा राग वो है। एक खाने पीने के प्रति राग है, वो चीज़ खाऊं उस रूप में राग है। तो सारा राग एक सरीखा नहीं होता। दसवें गुणस्थान में भी राग है और छठे गुणस्थान का भी राग है। तो राग राग में बड़ा अंतर हो सकता है। तो वह राग जो एक बाह्य रूप में आकर्षण है, एक राग है वो थोड़ा धर्म के जगत से जुड़े हुए व्यक्तियों के प्रति, वो थोड़ी श्रद्धा की भावना कह दें, भक्ति साथ में कुछ वो स्नेह या ममत्व भी, मेरे गुरु मेरे वो उस रूप में, संग मेरा है, धर्म संग मेरा है। तो वहाँ भी किसी रूप में कोई राग मान लो हो तो हो, तो वह राग थोड़ा अलग टाइप का है कि संग मेरा है, वो संग के प्रति ममत्व है। वह अगर राग है भी तो अलग टाइप का है, और बाह्य चीज़ों के प्रति जो राग है वो अलग टाइप का होता। इसलिए वो भिक्षु स्वामी, भारमल जी स्वामी, जयाचार्य और मघवा, जयाचार्य का जब महाप्रयाण हुआ, हो सकता है मघवा प्रवर आदि संतों को दोरा लगा भी, गुरुदेव चले गए, थोड़ा मन में आया, हो सकता है वो राग भी हो सकता है। गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हुआ तो किसी के मन में कष्ट भी मान लो हुआ भी, गुरुदेव पधार गए, तो वो भी एक प्रकार का राग हो सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी महाप्रयाण हुआ तो मान लो अगर किसी को जो तक मोह कष्ट हुआ, वो भी राग हो सकता है। राग एक तो वो धर्माचार्य धर्म गुरु के प्रति वो एक भावना है, और एक खाने पीने और भौतिकता के रूप में जो राग है तो वो राग अलग है। इसलिए ये प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग की बात आती है। भले कोई इन दो भेदों को नहीं भी माने कि भी राग तो राग ही है, राग में क्या प्रशस्त है क्या अप्रशस्त है, राग तो राग ही है वो छोड़ने लायक ही है, यह भी एक चिंतन भिक्षु स्वामी का और का हो सकता है। और एक राग प्रशस्त नहीं है, यानी प्रशस्त के प्रति राग है, प्रशस्त के प्रति राग। राग को कोई आदरणीय, ऐसे तो राग के सात्विक राग एक हो सकता है, एक असात्विक कोटि का, एक सात्विक कोटि का राग, सात्विक कोटि का थोड़ा गुस्सा, सात्विक कोटि का भय। राग भी सात्विक कोटि का, थोड़ा गुस्सा भी सात्विक कोटि का, भय भी सात्विक कोटि का हो सकता है। कैसे कि राग तो सात्विक कोटि का भी, कि गुरु के प्रति एक भक्ति भी है, थोड़ा उनके स्वास्थ्य आदि के प्रति वो थोड़ा ममत्व है, स्वास्थ्य ठीक रहे, राग है, तो वो प्रशस्त व्यक्ति के प्रति एक सात्विक स्तर का राग हो गया। एक राग है वो पदार्थों के प्रति है कि वो बढ़िया कपड़ा, वो बढ़िया चीज़, वो थोड़ा अप्रशस्त और थोड़ा हल्के स्तर का राग हो गया। अब सात्विक गुस्सा कि अब गुरु है, थोड़ा शिष्य ने गलती की और थोड़ा सा एक
कह दिया कड़ा उलाहना सा, मामूली थोड़ा गुस्सा भी आ गया हो तो वो गुस्सा मूलतः भी शिष्य को थोड़ा एक प्रेरणा देना हित करने के लिए मानो कह दिया। तो उसको गुस्से को हम थोड़ा सा सात्विक कोटि का वो उलाहना हो सकता है, एक आवेश आता है बिना मतलब गुस्सा आ गया, वो असात्विक कोटि का गुस्सा हो सकता। अब भय है कि बड़ों के प्रति मुझे उलाहना नहीं आ जाए, कहीं डांट न पड़ जाए, थोड़ा डर है, संकोच है। वो गुरु से भय है, हर डर गुरु डर गाम डर, डर करनी में सार, तुलसी डरे सो ऊबरे गाथिल खावे मार। तो वो डर भी थोड़ा सात्विक कोटि का है, बड़ों से भय है डर है वह सात्विक कोटि का है। कोई ऐसे ही रात में कह वो भूत दिख गया वो डर लग, तो वो थोड़ा असात्विक कोटि का भय है। तो बड़ों से संकोच भय है वो अलग कोटि का। तो मुमुक्षु बाइयां भी समझे सात्विक भय, सात्विक राग और सात्विक थोड़ा गुस्सा कर दें कड़ाई कर दें, एक असात्विक राग असात्विक गुस्सा असात्विक भय। थोड़ा साध्वी वरिया ने मानो कड़ा फर कह दिया थोड़ा सा कभी सुधार के लिए, तो वो मान ले सात्विक स्तर का एक उलाहना है या गुस्सा है। थोड़ा भय भी है कि साध्वी वरिया का उलाहना न मिल जाए, तो वो थोड़ा भय वो भी सात्विक कोटि का भय हो सकता है। धर्म संघ के प्रति थोड़ा ममत्व है, मेरा संघ वो थोड़ा सात्विक कोटि के रूप में मेरापन किया हमारा संघ है। तो यह सात्विक क्रोध सात्विक राग और सात्विक भय, इधर वो असात्विक स्तर का राग क्रोध और भय। तो यह जो प्रशस्त और अप्रशस्त की बात है कि प्रशस्त के प्रति जो राग है एक अप्रशस्त के प्रति राग है। तो प्रशस्त के प्रति जो आकर्षण है गुरु आदि के प्रति आकर्षण है, वो जैसे भगवान महावीर के प्रति मान लो आकर्षण, हमारा मान लो कि अपने गुरुओं के प्रति भिक्षु स्वामी के प्रति भी मानो थोड़ा भक्ति कह दें थोड़ा कुछ राग कह दें कि भिक्षु स्वामी के बारे में मेरे गुरु के बारे में कोई ऐसा वैसा बोल दे तो थोड़ा मन में आता है कि मेरे गुरु के बारे में क्यों बोला। तो वो कहीं थोड़ा एक प्रशस्त कोटि का राग या मेरापन हो सकता है। तो यह सात्विक और असात्विक दो यानी राग राग में अंतर है, गुस्से गुस्से में अंतर है, भय भय में अंतर हो सकता है। तो आयारों में कहा गया उम्मुंच पासम इह मच्ची एहिम, कि मनुष्यों के साथ होने वाले पास प्रेमानुबंध का विमोचन करके,